हाँ यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनसाइड एज 1 को भी इतना प्यार मिला और इनसाइड एज 2 के बारे में जाहिर है कि उतनी ही एक्साइटमेंट है, उससे ज़्यादा है कि अब हम क्या 1 के ऊपर इसे बेंचमार्क कर पाएंगे कि नहीं। मैंने पूरा सीज़न 2 अभी देखा क्योंकि हाँ जी, क्योंकि अमेज़ॉन ने मुझे अंग्रेज़ी में इसे डब करने के लिए कहा और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं अमेज़ॉन के लिए इनसाइड एज 2 जो अपना शो है अंग्रेजी में डब कर रहा हूँ ताकि वो विदेश जाए, और जो उनका शो है जैक रायन अमेज़ॉन का इंग्लिश शो है उसे मैंने हिंदी में डब किया एज जैक रायन इंडिया में उसका प्रचार करने के लिए। लेकिन उस दौरान जब मैंने शो देखा आई वाज सो हैप्पी क्योंकि जब आपका पहला सीजन इतना सक्सेसफुल रहता है तो आप थोड़े से नर्वस होते हो कि यार सेकंड सीजन मैचअप कर पाएगा कि नहीं, और लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि इट्स जस्ट फैंटास्टिक एंड पर्सनली बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि विक्रांत धवन जो एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश हुआ फर्स्ट सीजन में और जिस तरह की एक फैन फॉलोइंग बनी, एंड ऑफ फर्स्ट सीजन में ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया, ही इज डेड, तो अब क्या होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के कि भाई क्या हो रहा है, विक्रांत आएगा नहीं आएगा सेकंड सीजन में, क्या होगा। अब सेकंड सीजन में आया है और बिल्कुल एक खूंखार शेर की तरह, यू नो, एक वाउंडेड लायन की तरह जो अपनी टेरिटरी रिक्लेम करने आया है, मोर डेंजरस, घायल शेर एक और खूंखार होता है कहते हैं ना लोग, तो इट्स लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं एक अलग ग्राफ प्ले करने को मिला कि क्या विक्रांत धवन को ड्राइव करता है, किस चीज़ से वो फिर अपने इस पावर को हासिल करना चाहता है, कैसे वो एक बिल्कुल एक जो असैसिन्स होते हैं जो बिल्कुल शेडोज में खेलते हैं, तो किस तरह से वो शेडोज से बाहर निकल के अपने टारगेट को अचीव करेगा, किस तरह से उसी भाई साहब को जो एक समय उनके मेंटोर थे, उसी भाई साहब ने जो विक्रांत धवन को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया, उसी भाई साहब के खिलाफ वो टक्कर में कैसे आएगा। It's much more expansive, and I think it's fabulous. What these boys have done is just incredible. It's looking amazing. It's much more like, you know, it's much more palpable, the politics of it and whatever is going on. So I'm very excited. I think also the way they wrote Rohini in the second season, yeah, is fantastic, and I'm just so grateful for that. See sir, along with being part of the show, मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन भी हूँ और पिछले 2-2.5 साल से मैं जहाँ भी जाता हूँ सब पूछते आते हैं कि यार सीजन 2 कब आएगा, सीजन 2 कब आएगा, but you know people also have to understand it's like almost making 4 films, right? Because अगर आप हमारे स्क्रिप्ट को देखेंगे तो it's like 400, 400, it's like a Bible, as she rightly said, right? So it takes time to make what we consider good content. And I'm just really happy to be back with all these boys and girls because we really are like one big family, and to come to this particular set and just get to express yourself day in and day out is something that gives me a lot of joy, and I'm really excited.